हाई इसिमिक इंडेक्स इनमें से किस में है किसमें पाया जाता है सो फर्स्ट क्वेश्चन में डेक्सट्रोस कोकुम्बर आइसक्रीम या फिर ब्रेड सो राइट आंसर इज डेक्सट्रोज सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कोपरा इज यहां पर कोपरा की फुल फॉर्म पूछी जा रही है सी ओ पी आर ए

किस में नहीं होता बाकी सब में होता है सो so, कैसी कंडीशन में नहीं होता फेब्राइल कंडीशन स्टार्वेशन डायबिटीज मेलाइटिस या एसिडोसिस सो राइट आंसर इज एसिडोसिस ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन एन इन एक्टिव फॉर्म इज कौन सा ऐसा एंजाइम है जो इन एक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है सो फर्स्ट ट्रिप्सिन लाइपेज रेनिंग या फिर टाइलिन सो राइट आंसर इज ट्रिप्सिन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग कंटेन्स ऑल द न्यूट्रं एक्सेप्ट कौन सा ऐसा है जिसे छोड़कर बाकी के कंटेंट एग में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट एविडिन बायोटिन राइबोफ्लेविन सो so, कौन सा कंटेंट है जो एग में नहीं मिलता कार्बोहाइड्रेट जो है वो एग में नहीं मिलता एविडिन बायोटिन और राइबोफ्लेविन ये तीनों एग में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स एविडिन एक ऐसा तत्व है जो एग में होता है जो बायोटिन के एब्जॉर्बशन में बाधा उत्पन्न करता है लेकिन जब एग को हम टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में लेकर आते हैं तो वो नष्ट हो जाता है

ऑफ दिंग इज नॉट अम्पोनेंट डाइटरी फाइबर कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट है जो डाइटरी फाइबर का पार्ट नहीं है ओके नाउ लिग्निन सो जो है वो डाइटरी फाइबर का पार्ट नहीं है कॉम्पोनेंट नहीं है सेल्यूलोज लिग्निन और पैक्टिन जो है वो डाइटरी फाइबर में आती हैं नाउ थर्टी एट नंबर क्वेश्चन ह्यूमन मिल्क इज़ पुअर सोर्स ऑफ ह्यूमन मिल्क जो है वो किसका पुअर सोर्स है किस में किस में आ, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो मिल्क में नहीं पाया जाता या पुअर सोर्स है बहुत लीस्ट पाया जाता है सो विटामिन के विटामिन बी ट्वेल्व आयरन और प्रोटीन सो आयरन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि ह्यूमन मिल्क में बहुत ही कम मात्रा में ना बराबर पाया जाता है सो पुअर सोर्स इज मिल्क नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द डाइजेस्टिव जूस दैट इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल इज डाइजेस्टिव जूस कौन सा ऐसा है जो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जिसका पीएच सेवन से कम होता है वो एसेडिक होता है जो सेवन पी एच से ऊपर होता है यानी एट नाइन टेन होता है वो एल्केलाइन होता है सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बाइल जूस क्या है बाइल जूस इज एल्केलाइन गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक सो राइट आंसर इज pancreatic जूस जो है वो ऑलमोस्ट क्या होता है न्यूट्रल नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑफ द फॉलोइंग चार स्टेटमेंट दी गई हैं इनमें से हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है सो फर्स्ट इज बीएमआर इज इंक्रीज इन वार्म क्लाइमेट वार्म क्लाइमेट में बीएमआर बढ़ता है गर्म जलवायु में बी बढ़ता है ऐसा बोल रहा है ये और बी बी एम आर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एज बी एम आर जो है वो एज के वित होता है सी मेल्स हैव हायर बी एम आर देन एज मैश फीमेल सेम एज के जो भी फीमेल मेल होते हैं उनमें से मेल का बी एम आर हायर होता है और बी एम आर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द सर्फेस एरिया बी एम आर जो है वो सीधा सरफेस एरिया से संबंधित है सो इन करेक्ट जो ऑप्शन है दैट इज ए बी एम आर इंक्रीज इन वॉर्म क्लाइमेट स्टूडेंट्स बी एम आर गर्म जलवायु में कभी भी इंक्रीज नहीं होता बल्कि डिक्रीज होता है सो so, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पी एच सेवन इंडिकेट्स दैट द सोल्यूशन ऑफ और सब्सटेंस इज पी एच सेवन जो है वो किस तरह के सोल्यूशन या सब्सटेंस को इंडिकेट करता है सॉल्टी न्यूट्रल एसिडिक एल्केलाइन स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि पीएच सेवन से जो कम है वो एसिडिक uh, है पी एच सेवन से जो ऊपर आता है वो एल्केलाइन है और पीएच सेवन जो है अगर उस सोल्यूशन पीएच सेवन तक है तो वो क्या होता है न्यूट्रल ओके नेक्स्ट है परनीशियस एनीमिया इज़ ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ़ परनीशियस एनीमिया किसकी डेफिशियंसी से होता है परनीशियस रक्त अल्पता जिसको बोलते हैं खून की कमी विटामिन बी सिक्स विटामिन बी ट्वेल्व फॉलिक एसिड या फिर आयरन सो राइट आंसर इज विटामिन बी ट्वेल्व बी ट्वेल्व की कमी से परनीशियस रक्त अल्पता होता है तो so, स्टूडेंट्स uh, इसमें uh, क्या है एनीमिया के प्रकार हैं अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग एनीमिया होता है फॉलिक एसिड जैसे है तो उसमें मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है आयरन से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो होता है सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which ऑफ द following मेथड ऑफ कुकिंग causes मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऑफ विटामिन ए या फिर कैरोटीन विटामिन ए को कैरोटीन भी बोला जाता है तो so, कौन सा ऐसा कुकिंग मेथड है जिसमें विटामिन ए डिस्ट्रक्ट होता है मतलब कि नष्ट होता है ए ब्लांचिंग डी प्रेशर कुकिंग सी फ्राइंग और डी नन सो वैसे ताप के संपर्क में आने पर विटामिन ए पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता बट अगर उसको फैट में ज़्यादा समय तक पकाया जाए तो विटामिन ए जो है वो नष्ट हो जाता है डिस्ट्रक्ट हो जाता है सो फ्राइंग इज राइट आंसर नाउ नेक्स्ट विच ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बॉडी वुड नॉर्मली कैरी द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो लार्जेस्ट अमाउंट में यूरिया को कैरी कर पाती हैं ह्यूमन बॉडी में रीनल वेन हिपेटिक वेन हिपैटिक पोर्टल वेन या डोर्जल ओटा सो राइट आंसर इज रीनल वेन हमारी किडनी की जो वेन्स हैं ब्लड वेसल्स जो हैं वो लार्जेस्ट अमाउंट में यूरिया को कैरी कर पाती हैं सो नाउ फि फोर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन ओटाइटिस मीडिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ ओटाइटिस मीडिया जो है वो हमारे कौन से अंग में इन्फेक्ट Infect, इन्फेक्शन होता है उसका सो ब्रेन आई ईयर लंग्स सो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ईयर ईयर के मध्य uh, मध्य कर्ण में ओटाइटिस uh, जो मीडिया है वो होता है और इसमें uh, कान में सूजन आ जाती है ये एक इन्फेक्शन है जिसका नाम है ओटाइटिस मीडिया ओके नाउ नेक्स्ट इमल्सिफायर यूज इन मायोनीज इज कौन सा इमल्सीफायर है मायोनीज में जो यूज होता है सेल्यूलोज लेसिथिन मायोग्लोबिन या फिर सोया प्रोटीन सो दैट इमल्सीफायर इज लेथीन नाउ नेक्स्ट फ्रॉम विच प्लांट सोर्स ग्लूटन इज डेरिव सोया कोन राइस वीट कौन सा प्लांट है जो ग्लूटन जिसमें ग्लूटन होता है सो सोया कॉर्न राइस वीट सो राइट आंसर इज वीट वीट में हम जानते हैं ग्लूटन प्रोटीन पाया जाता है सो वीट इज राइट आंसर एच डी एल इज सिंथेसाइज एंड सिक्रीटेड फ्रॉम एच डी एल जो है कहाँ से सिंथेसाइज होता है यानी संश्लेषित होता, होता है और सिक्रीट होता है मसल्स लिवर पेनक्रियाज या फिर किडनी सो डी एल जो है वो सिक्रेट और सेंथेसाइज दोनों जो है वो लिवर से होता है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन सी सर्वज एज अ एंटागोनिस्ट को एंजाइम इंट्रेसिंग फैक्टर या फिर एंटीऑक्सीडेंट सो विटामिन सी सर्व एज विटामिन सी नॉर्मली हम सब जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट से जाना जाता है इसे सो राइट आंसर इज डी नाउ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन मसल हार्ट लीवर एंड मसल या फिर लीवर सो स्टूडेंट्स राइट आंसर आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सो so नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था बाइल प्रोड्यूस्ड बाय सो so उसका राइट आंसर है लीवर सो स्टूडेंट्स इसी तरह से अपना सपोर्ट लव बनाए रखिएगा और मेरे अगले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑल द बेस्ट